हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक एंड व्हाइट इमेज के बारे में और वेंडर प्रीफिक्स के बारे में कि वेंडर प्रीफिक्स क्या होता है और इसका यूज़ हम अपनी वेबसाइट में किस तरीके से करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश, आप देख रहे हैं फ्यूचर एग्जाम। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट इमेज के बारे में। जैसा कि आपके सामने कोई भी एक रियल पिक है, उसमें आप HTML और CSS का यूज़ करके उसे आप ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे HTML का सैंपल फॉर्मेट। यहां पर मैं टाइटल देता हूं, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज। इसके बाद मैं यहां पर टाइप करता हूं हेड सेक्शन। हेड सेक्शन में आता है हमारा स्टाइल। इसके बाद हेड के जस्ट बाद में आता है हमारा बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में हम यहाँ पर इमेज इंक्लूड करेंगे। इमेज का होता है IMG टैग। यहाँ पर हम देंगे सोर्स। तो यहाँ पर देखिए, हमारी जो इमेज है उसका नाम है 1.jpg। हमने एक फोल्डर बनाया था, उसमें हमारी 1.jpg नाम की एक इमेज रखी हुई है। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे 1.jpg। इसके बाद में यहाँ पर मैं क्लास देता हूँ और क्लास में देता हूँ IMG 1। इसके बाद मैं यहाँ पर अल्टरनेट करता हूँ, नाम देते हैं रोज। यानी जब भी आपको यदि ये इमेज नहीं शो होगी वेबसाइट में, तो वहाँ पर आपको इमेज का आइकन आ जाएगा और उसके जस्ट पास में यहाँ पर नाम टाइप होकर आ जाएगा ROSE। इसकी मैं विड्थ देता हूँ इमेज की 600 पिक्सल। इसके बाद में इसकी हाइट देता हूँ 600 पिक्सल। इसे मैं सेव करता हूँ और एक बार ब्राउज़र में आके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये इमेज आपको शो हो रही है। जस्ट इसके बाद में हम यहाँ पर इसी इमेज को एक बार फिर से इंक्लूड करेंगे 1.jpg। यहाँ पर हम क्लास नहीं देंगे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे रोज़। इसकी मैं विड्थ देता हूँ 600 पिक्सल और इसके साथ में इसकी हाइट भी देता हूँ 600 पिक्सल और इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। जस्ट इसके साथ में आपके सामने ये एक इमेज और आ गई है। अब हम जो पहली इमेज है जिसमें हमने क्लास लगाई थी IMG 1, तो उसमें हम जो भी अपना इफेक्ट है वो यहाँ पर लगाएंगे। तो क्लास को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। तो यहाँ पर मैंने डॉट टाइप किया और IMG 1। यहाँ पर हम टाइप करेंगे वेबकिट। वेबकिट के जस्ट साथ में आएगा फिल्टर और यहां पर हम टाइप करेंगे ग्रे स्केल। इसके जस्ट बाद में यहां पर मैं टाइप करूंगा फिल्टर। ग्रे स्केल और यहाँ पर भी 100% और इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद इसे सेव करके एक बार ब्राउज़र में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो इफेक्ट है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट तरीके से शो हो रहा है। ये रियल इमेज है और इसके बाद में ये ब्लैक एंड वाइट इमेज हो चुकी है। इसमें आप कितना ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप परसेंटेज में यहाँ पर इफेक्ट दे सकते हैं। यानी मैं 50% इसे ब्लैक एंड वाइट करता हूँ, तो यहाँ पर आप 50% दोनों जगह करना होगा। और इसके बाद सेव करके एक बार ब्राउज़र में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो 50% इफेक्ट है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम जानते हैं कि वेंडर प्रीफिक्स होता क्या है। तो यहाँ पर जो हमने वेब किट टाइप किया है तो वो है एक तरीके से वेंडर प्रीफिक्स। यहाँ पर मैंने कुछ टाइप करके रखा है, व्हाट इज वेंडर प्रीफिक्स इन CSS। यानी जो वेंडर प्रीफिक्स है वो CSS में यूज होता है। सम ऑफ द लेटेस्ट फीचर्स डज नॉट सपोर्ट सम ब्राउजर्स। यानी जो कुछ भी फीचर्स है, जो CSS के जो फीचर्स हैं, वो कुछ ब्राउजर्स, सम ब्राउजर्स है, वो उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं। यानी वो उसमें रन नहीं होते हैं। सो दैट वी यूज सम वेंडर प्रीफिक्स इन CSS लाइक वेबकिट, MS, O एंड MOZ। यानी जो वेबकिट है, MS है, ओ है
और MOZ है। इनका अलग अलग ब्राउजर्स के लिए अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जो वेबकिट है वो यूज होता है सफारी, गूगल क्रोम, एंड्रॉयड एंड iOS के लिए। यानी जब भी आप इनका वेबकिट का यूज़ करेंगे तो आप जो भी प्रीफिक्स जो यूज़ करने वाले हैं अपने CSS में, जो भी टैग लगाने वाले हैं, तो वो आपको बिना किसी देरी के या बिना किसी रुकआउट को वो आपके ब्राउज़र में शो हो जाएंगे। इसके बाद होता है MS, तो इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर में जो भी टैग है उसे रन कराने के लिए आपको MS यूज़ करना होता है। इसके बाद है O, तो O होता है ओपेरा ब्राउज़र में यूज़ कराने के लिए। इसके बाद MOZ यानी जो फायरफॉक्स है उसमें किसी भी टैग को, किसी भी एलिमेंट्स को रन कराने के लिए ये अलग अलग जो वेंडर इफेक्ट प्रीफिक्स है वो यूज किए जाते हैं। तो सम ऑफ द लेटेस्ट फीचर्स डज नॉट सपोर्ट सम ब्राउजर्स, सो दैट वी यूज सम वेंडर्स इफेक्ट्स, वेंडर प्रीफिक्स इन CSS लाइक वेबकिट, MS, O, MOZ। तो ये इस तरीके के जो वेंडर इफेक्ट्स हैं वो यूज किए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा OS है या O है, MOZ है, वो किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो जो वेबकिट है यहाँ पर O लिख देंगे तो वो ओपेरा के लिए आपको यूज हो जाएगा। यहाँ पर MOZ यहाँ पर टाइप कर देंगे तो मोजिला के लिए हो जाएगा। तो आप किस तरीके से भी किसी भी इफेक्ट को यहाँ पर टाइप करके यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड या किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।